प्रतीक यादव जो है वो राजनीति से दूर जरूर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के परिवार की पार्टी, और जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की, तो मुझे लगता है कि प्रतीक यादव के सियासी सफर को लेकर के समाजवादी पार्टी विचार कर सकती है। और खुद जो है प्रतीक दिया था कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का जो अपमान है वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है और ये यादव परिवार का जो है अपमान है, और अपर्णा यादव खुद इस बात को कह चुकी है कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव बीत चुका है, परिणाम सामने आ चुके हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा सबके सामने आ गया है, शपथ ग्रहण भी हो चुका है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी लगभग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 72 मंत्री पद की शपथ लेते हुए सांसद नजर आए हैं, यानी कि हर राज्य से चुन चुन कर मोदी कैबिनेट का विस्तार यहां पर किया गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीत जाने के बाद अब सबकी निगाहें हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या किया जाए, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले किस सीट पर किसे उतारा जाए या किस चेहरे पर चर्चा की जाए। ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अभी से प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है, और समाजवादी पार्टी की इस प्लानिंग में वो सीटें भी शामिल है जिस पर जीत समाजवादी पार्टी ने दर्ज की है, लेकिन वो सीट जल्द खाली हो सकती हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव की स्थिति उत्तर प्रदेश में बन सकती है 3 विधानसभा सीटों पर। ये सीटें हैं करहल, अंबेडकर नगर और फैजाबाद। करहल अखिलेश यादव की सीट है जहां से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, 2022 में चुनाव जीता भी, लेकिन अब वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए, लोकसभा का चुनाव भी जीत जाते हैं तो ऐसे में ये सीट छोड़ी जा सकती है, इस्तीफा यहां से अखिलेश यादव दे सकते हैं। इसी के साथ अंबेडकर नगर है और फैजाबाद भी है, यही स्थिति यहां पर भी बनती हुई नजर आती है कि ये विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो अब ये सीटें छोड़ते हुए नजर आएंगे। आखिरकार इन सीटों पर समाजवादी पार्टी नए चेहरों को मौका देगी या फिर पुराने चेहरों पर दाव आजमाती हुई नजर आएगी, या अपने परिवार में से किसी एक ऐसे चेहरे को ढूंढ कर निकालेगी जो कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक को साध सके। ऐसे में यहाँ पर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में देखा जा रहा है और वो नाम है अखिलेश यादव के भाई का, प्रतीक यादव का। प्रतीक यादव जो राजनीति से कोसों दूर रहते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका अपनी पत्नी के लिए अदा करते हुए बीते कई साल पहले दिखा चुके हैं, लेकिन क्या वही दायित्व अपने भाई के लिए भी निभाते हुए नजर आएंगे, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, समाजवादी पार्टी के पास अभी 3 सीटें ऐसी हैं जो जिताऊ सीटें हैं, यहाँ पर उपचुनाव हो सकता है इस्तीफा देने के बाद। क्या लगता है जो प्रतीक यादव हैं इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि करहल विधानसभा सीट से क्या यहां पर पहली बार राजनीति में एंट्री लेते हुए नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहते हैं और इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई है समाजवादी पार्टी के, खास तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया लोकसभा चुनाव में, तो जाहिर सी बात है अगर इन सीटों से समाजवादी पार्टी उपचुनाव करवाती है तो कहीं ना कहीं परिवार के किसी सदस्य को ही चुनाव लड़ा हुई नजर आएगी, क्योंकि देखें आपके प्रतीक यादव जो है वो राजनीति से दूर जरूर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के परिवार की पार्टी, और जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की, तो मुझे लगता है कि प्रतीक यादव के सियासी सफर को लेकर के समाजवादी पार्टी विचार कर सकती है, और खुद जो है प्रतीक यादव भी विचार कर सकते हैं। हालांकि उनकी पत्नी जो है अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल जरूर है, लेकिन उनको लेकर के भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने उनको लेकर के बयान दिया था कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये यादव परिवार की ही कह सकते हैं यादव परिवार का अपमान है, तो मुझे लगता है प्रतीक यादव को लेकर के ये तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं इनमें बड़ी सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त देखें तो समाजवादी पार्टी जो है अपने राजनीतिक पड़ाव पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसी कड़ी में मुझे लगता है कि परिवार के किसी भी सदस्य को इन सीटों से चुनाव लड़वाया जा सकता है, तो मुझे लगता है प्रतीक यादव ही बचते हैं जो कि कहीं ना कहीं राजनीति से दूर नजर आते हैं, तो इस जो सफर में चुनावी सफर में समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव, यहां पर बात करें वो खुद राजनीति में
लोकसभा चुनाव में यहां पर अखिलेश यादव के लिए और डिंपल यादव के लिए प्रचार प्रसार बखूबी किया गया कन्नौज और मैनपुरी सीट पर। और यहीं डिंपल यादव भी कहते हुए नजर आई कि यही मौका है कि बच्चों को राजनीति के गुण भाव सिखा सके। तो राजनीति में एंट्री यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है बच्चों की। तो बच्चों के साथ देखा जाए तो परिवार वालों की भी एंट्री उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ही दिखा दी। जैसे कि बदायूं से आदित्य यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आए, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आए, यहाँ पर कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आए, मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आए। ये तो परिवार के चेहरे हैं और परिवार का चेहरा यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ भी नजर आया। तो ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि परिवार को और भी मजबूती देने के लिए यहाँ पर परिवार से ही कोई ना कोई चुनावी मैदान में उतर सकता है। सिराज, एक और सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर वाकई प्रतीक यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि संकेत दिए जा रहे हैं, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, अगर ऐसा हो सकता है तो क्या अपर्णा यादव की वापसी सपा में होती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर पति को टिकट मिले या खुद अपर्णा यादव को टिकट मिले तो सपा में वापसी बेहद जरूरी है, तो क्या वापसी हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि राजनीति में इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ जो है दूसरे परिवार के लोग जो है उतरते हुए नजर आए, यहाँ तक कि भाई के खिलाफ भाई चुनाव लड़ता हुआ नजर आया, पत्नी के खिलाफ पति चुनाव लड़ता हुआ नजर आया। लेकिन अपर्णा यादव की कहानी कुछ अलग है। अगर उनके पति समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें समाजवादी पार्टी में वापसी करनी पड़ेगी। और जिस ढंग से बीते दिनों शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया था कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का जो अपमान है वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है और ये यादव परिवार का जो है अपमान है, और अपर्णा यादव खुद इस बात को कह चुकी है कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ जो है चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है इन प्रयासों को और भी ज्यादा हवा जो है लग जाती है और हवा मिल जाता है कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव का एक समाजवादी पार्टी के प्रति, यादव परिवार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। और जाहिर सी बात है कि परिवार की पार्टी है तो वापसी कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अभी जिस तरीके से जो पूरा का पूरा सियासी गणित लगाया है कहीं ना कहीं वो सामान्य कार्यकर्ता की तरह भी नजर आ रही है। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक बड़ा मौका दे सकेगी या टिकट मिलेगा विधायक बनने का या फिर सांसद बनने का। तो मुझे लगता है ये तमाम जो चीजें हैं इन पहलुओं पर अगर देखें तो आकलन यही निकलता है कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को वापसी जो है करनी ही पड़ेगी। और अगर उनके पति समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो उनको अप्रोच करते हुए नजर आएंगे और वापसी भी देखने को मिल सकती है। अगर मौके की नजाकत को देखा जाए तो अपर्णा यादव के लिए भरपूर यहाँ पर ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में ये बनी हुई है कि लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई और विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद पर योगी आदित्यनाथ पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है कि उनका पद उनसे छिन सकता है। ऐसे में अगर अपर्णा यादव वापसी यहाँ पर सपा में करती हुई नजर आएगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर भी एक्शन ले सकती है? सराज, क्या लगता है? क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेने में कोई देरी नहीं करती, क्योंकि लोकसभा चुनाव देखा होगा आपने, पवन सिंह जैसे ही निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए तुरंत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें निष्कासित करती हुई नजर आई। अपने विवादित बयानों के चलते कई ऐसे सांसदों की टिकट यहाँ पर काटे गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक्शन अपर्णा यादव पर भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अपर्णा यादव को लेकर के अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है अपर्णा यादव इस समय भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। अगर वो समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा अपना देती हुई नजर आएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको खुद जो है पार्टी से निष्कासित कर दे। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर कहीं ना कहीं चर्चा जो है तमाम तरह की हो रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में वो एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया पवन सिंह का, तो पवन सिंह ने साफ तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं तो जाहिर सी बात है उनको एक पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर पार्टी उनको खुद निष्कासित कर देगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखें अपर्णा यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में तमाम रणनीति रही है, कहीं ना कहीं इस बात को भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है कि अपर्णा यादव को आने से भारतीय जनता पार्टी को उतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला। क्या अपर्णा यादव अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ती है तो क्या जो यादव समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा? सिर्फ अपर्णा यादव के चेहरे को लेकर के यादव कुनमा जो है खासतौर पर देखें समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर हैं इस बात को बखूबी समझते हैं कि
जो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने पार्टी से बगावत किया, पार्टी से बाहर हुई, वो उनका अपना फैसला था। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो मुलायम सिंह यादव के नाम से जानी जाती है, तो जाहिर सी बात है जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ही जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अब यहाँ पर दावे तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले क्या वाकई परिवार में से किसी को टिकट यहाँ पर अखिलेश यादव देते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, क्या प्रतीक यादव को राजनीति में एंट्री करनी चाहिए और क्या विधानसभा का चुनाव करहल से ही लड़ना चाहिए, क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।